नमस्कार यारो, मैं आपका दोस्त इंडियन एक्सप्लोरर। आज एक्सप्लोर करने निकले हैं यारो, अगेन वही कूनो नेशनल पार्क। पहले हम ट्रेन से ग्वालियर उतरे। ग्वालियर उतरने के बाद यारो हमने सबसे पहले शिवपुरी के लिए कैब की। अब शिवपुरी से कैब करके हम लोग जा रहे हैं कूनो के अहिरा गेट की तरफ। अहिरा गेट शिवपुरी से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर पड़ता है। हम लोगों ने सबसे पहले अहिरा गेट पर, एक हमारे दोस्त थे जिनका ब्लॉग मैंने पहले देखा है, उनसे बात करी तो उनने हमें रास्ता बताया और हम पहुंच गए अहिरा गेट पे। यहाँ से मेन रोड से अहिरा गेट 16 किलोमीटर अंदर है और अहिरा गेट से कूनो करीबन 10 से 11 किलोमीटर अंदर है। तो हम लोग उसी रोड पे आगे बढ़ चले। कूनो के बारे में सुना तो मैंने बहुत था और जब मैं अहिरा गेट पहुंचा तो मेरे को लगा भी बहुत अच्छा कि वीरान होगा, लेकिन देखा दोनों तरफ खेती हो रही थी तो मैं थोड़ा सदमे में आ गया। उसके बाद हम पहुँचे अहिरा गेट पे। अहिरा गेट पे कोई नहीं था तो हम लोगों ने थोड़ी खोजबीन करी। उसके बाद एक सज्जन अंदर से आए और उन्होंने गेट खोला। वहाँ एक सज्जन ने हमारा डॉक्यूमेंटेशन किया, हमारा नाम, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया और हम लोग निकल गए कून्हो नेशनल पार्क में। कून्हो नेशनल पार्क में हमने देखा कि अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं कि कैसे किस किस जोन में जिप्सियाँ जाएंगी और कैसे एक ही एरिया में जिप्सियाँ ना जाएं, तो उसके लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो अभी फॉरेस्ट बहुत डिस्टर्ब्ड है कून्हो का, अभी जानवर इजीली आपको वहाँ दिख नहीं रहे हैं। कूनो में आपको एक जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे आप बाकी जो कॉर्बेट में और नेशनल पार्क दूसरों में जाते हैं तो आपको चौकियाँ बहुत दूर पे मिलती हैं, लेकिन कूनो में हर 5 किलोमीटर पे चौकी है। उसका कारण यह है यहाँ पोचिंग बहुत होती है, यहाँ जानवरों का शिकार बहुत पहले बहुत होता था, अब वो थोड़ा कम है क्योंकि अब शायद से सेंट्रल एजेंसी ने इसे टेक ओवर कर लिया है। तो अभी इसमें काम चल रहा है और अभी इसको चारों तरफ से प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन फेंस लगाई जा रही है और अंदर भी काम चल रहा है। वैसे जंगल बहुत खूबसूरत है क्योंकि जंगल में मैंने देखा कि जिस टाइम पे मैं गया हूँ मार्च में, ये जंगल पूरा सूख चुका है, जैसे आप देखते हैं पेंच नेशनल पार्क में। लेकिन पेंच नेशनल पार्क में एक खासियत है कि वहाँ ज़मीन पे पत्ते रहते हैं, जहाँ ज़मीन पे पत्ते भी बहुत कम हैं क्योंकि ये सारे जो पेड़ हैं इनमें पत्ते बहुत कम लगते हैं। और मैंने जंगल को मतलब बरसात में भी देखा है, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इसे चीताज के लिए चुना गया है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत दूर तक रहती है। इस जंगल में कहीं कहीं पे डेंस है लेकिन ज़्यादातर ये जंगल ओपन है। थोड़ा धीरे चलाना गाड़ी। ये देखिए, ये है आपका राम तीतर, ये ज़्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं और इनकी एक खासियत रहती है, ये रहते ज़मीन पे ज़्यादातर हैं लेकिन घोंसला सबसे ऊपर पेड़ों पे बनाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा लो गाइस। थोड़ा सा मूव करने के बाद ये आए हैं हम, ये जो आप देख रहे हैं ये है लेपर्ड की टेरिटरी मार्किंग। एक्चुअली लेपर्ड जब अपनी टेरिटरी मार्क करता है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, टाइगर की हाइट थोड़ा पेड़ के ऊंचे की साइड रहती है, ऊपर थोड़ा सा 2 फुट और ऊपर होगी, और लेपर्ड की रहती है। और लेपर्ड क्या करता है, टाइगर की नाखून पेड़ के ज़्यादा अंदर जाते हैं और वो ज़्यादा अंदर से स्क्रैच करता है, लेपर्ड केवल उसकी ऊपर ऊपर की सतह को खरोंचता है। ये देखिए आप, चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं थोड़ा सा भी हलचल नहीं है। एक्चुअली हम इस टाइम है बिल्कुल कूनो के कोर एरिया में। हम यहाँ अपने व्हीकल से आए हैं और फॉरेस्ट की तरफ से हमें परमिट मिला था एक, उसके बाद ही हम अपने गाड़ी से आ पाए हैं। आपको बता रहा था कि इस जंगल में कुछ चीज़ें आप देखिए, एक सेकंड नोट करना, एक सेकंड, धीरे 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 गाड़ी धीरे करना। सामने है जंगली सूअर है, धीरे
बिग साइज का है, साइज बहुत मैसिव साइज। धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे। देखो यारो, देखो यारो क्या साइज है ये भी। वहाँ यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जैसे कि क्योंकि हमारे संग एक गाइड भी अभी आए हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ जंगली सुअर बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब हर्ड के हर्ड हैं इधर। हमने भी देखे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये हमें ऑन रोड ही दिख गया, तो इसलिए हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। साइज़ आप देख रहे हो, देखो यार साइज़ बढ़ा लो थोड़ा सा। अब नहीं आएगा वो, अब नहीं आएगा, ये बहुत जल्दी कैमोफ्लेज में गुम हो जाते हैं। यार चीता है आगे, आगे चीता है, जूम करो जूम करो। नहीं, लेपर्ड है, लेपर्ड है, लेपर्ड है, लेपर्ड है यारों। ये वीडियो एक्चुअली ये फुल जूम कर रखा है हम लोगों ने, और ये पूरा जूम करने के बाद एक देख रहे हो आप जो ये लेपर्ड वॉक कर रहे हैं। लेपर्ड यहाँ कहते हैं कि 400 की संख्या है, मतलब रजिस्टर्ड 100 हैं, और एक ही आपको हिडन बात बता रहा हूँ कि यहाँ 400 की संख्या में लेपर्ड है। ये देखिए यहाँ स्पॉटेड डियर का पूरा एक हर्ड है जो बैठा हुआ है, और इनके संग छोटे छोटे बेबीज भी हैं, जो कि बहुत मतलब यहाँ एक चीज़ तो मैंने कूनों में नोटिस करी कि यहाँ मतलब प्रे बहुत है, मतलब स्पॉटेड डियर हो गए, आपके सांभर हो गए, इनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, और आपका जंगली सूअर हो गया, और आपके नीलगाय बहुत हैं जंगल में। मतलब जंगल में आप, मैंने एक चीज़ गौर करी यहाँ कि यह प्रे बहुत है। और यहाँ जो एक और चीज़ है, यहाँ मकाक बंदर कम हैं और लंगूर्स बहुत हैं, जो हनुमान लंगूर्स होते हैं वो यहाँ बहुत अच्छी तादाद में हैं। और ये देखिए कितना सुंदर हर्ड है जो आप सामने देख रहे हैं। और ये अभी क्या है, ये लोग इसलिए विचलित हो रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें मतलब गाड़ियों की आदत नहीं है, जैसे हम कॉर्बेट और दूसरे नेशनल पार्क्स में देखते हैं, तो यहाँ इन्हें आदत नहीं है, इसलिए ये विचलित हो रहे हैं। देखिए ये एक मेल है जिसके एंटलर्स अभी अभी गिरने वाले हैं, तो ये कोशिश कर रहा है उन्हें झाड़ियों में गिराने की। ऐसे ही करके मेल जो स्पॉटेड डियर्स होते हैं, और जितने भी बड़े जैसे सांभर भी, ये इसी तरीके से अपने जो पुराने होते हुए इनके सींग रहते हैं, एंटलर्स रहते हैं, उन्हें गिराते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका पूरा फीमेल का हर्ड दूसरी साइड है और ये मेल दूसरी साइड है, ये इसी चीज़ के लिए यहाँ आया है कि ये पेड़ों से टकरा के अपने एंटलर्स गिरा दे। अभी हम यारों यहाँ कुछ देर वेट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि उसके एंटलर्स बिल्कुल अभी मतलब चिकने हो चुके हैं, तो शायद गिर भी सकता है। और मेरा एक अनुमान ये भी बोल रहा है कि फीमेल हर्ड उस साइड है, तो ये दूसरी साइड क्रॉस जरूर करेगा, और एक हमें अच्छा फोटो मिल जाएगा आप लोगों के लिए, और वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए किस तरीके से वो, इसका मूवमेंट देखिए अब किस तरीके से, ये पूरी गर्दन जो झुका रखी है इसने, ये देखिए ये रोड पे आ गया, ये रोड क्रॉस करना जा रहा है, कह रहा था ना यारो ये रोड क्रॉस करेगा। बढ़ा लो गाड़ी, धीरे धीरे बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो। देखिए यारो अब हम आ गए, क्योंकि हमारी जो सफारी है वो अब आखिरी चरण में है, और कुछ ही दूरी पे हमारा गेट है जैसे हम आउट हो जाएंगे। लेकिन यारो देखिए अगेन वही चीज़ है, अब ये सामर देखिए, ये सामर गाड़ी की तरफ बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहे हैं। उसका कारण देखिए ऐसा है जो मैं पहले भी आपको बताया कि अभी ये यूज्ड टू नहीं है गाड़ियों के, और क्योंकि ये जंगल अभी जब से ये चीतास के लिए मतलब बनाया गया है, उससे पहले ये नॉर्मल भी नेशनल पार्क था, तब भी यहाँ टूरिस्ट नहीं आता था। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए एरियाज कितने वाइड हैं, चीतास के लिए बहुत अच्छा नेशनल पार्क साबित होगा। और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि
ये लोग, ये मतलब जो फीमेल्स हमारे हैं और बाकी एनिमल्स थी, हमको बिल्कुल सब में एक ही जैसा मिला कि सब जैसे ही गाड़ी आकर रुक रही थी उसकी तरफ कंटिन्यू देख रहे थे। तो अभी ये यूज्ड टू नहीं है, खैर धीरे धीरे हो जाएगा और नेशनल पार्क इसी तरीके का होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो और यहाँ थोड़ा शिकार भी ज़्यादा होता था तो इसके लिए भी शायद से ऐसे अलर्ट हैं। बाकी बहुत अच्छा नेशनल पार्क है और मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 महीने में ये एक बहुत सुंदर नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा। और यहाँ अभी जिप्सीज वगैरह भी नहीं है तो वो भी धीरे धीरे आना चालू हो गई हैं। चलिए यारों, हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं शुपरी साइड। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क। तो आपको नेक्स्ट वीडियो अब जो आएगा वो कान्हा नेशनल पार्क का आएगा। और यारों इसी तरह बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, वैसे भी आप कर ही रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे शॉर्ट्स पे इतने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट मिलेंगे मेरे को। ठीक है यारों, आगे दीजिए, फिर मिलते हैं।